हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग हैंड। आज आपको स्वागत है। आज हमारी क्लास होगी पैराजम्बल्स की। पैराजम्बल्स सबसे ज़्यादा टफ कौन सा होता है आपके लिए? जो स्टूडेंट्स होते हैं बैंक का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा टफ होता है इंग्लिश, जबकि इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर भी नहीं करना होता। मैक्सिमम अगर 15 भी कर लेते हैं ना 50 में से, बहुत ज़्यादा है माइंड कट ऑफ, तो हम बहुत प्यार से क्लियर कर जाएंगे दोस्तों। अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है तो थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश का सेशन पैराजम्बल्स। सॉरी, पैराजम्बल्स होता क्या है? पैराजम्बल्स दोस्तों, पैराजम्बल्स मिला हुआ है, इसको हम सिंपली कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो जंबल्ड फॉर्म में दिए होते हैं और उसको हमें प्रॉपर एक सही फॉर्मेट में लेके आना होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पैराजम्बल्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है इसमें, जैसे मैं सिंपली आपको बताऊँ तो एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, वो डिवाइडेड होता है बहुत सारे सेंटेंसेस में, मतलब मान लीजिए 6 to 7 सेंटेंसेस अगर बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो। फॉर बैंकिंग दो टाइप्स के होते हैं पैराजम्बल्स, एक होता है जिसमें आपको पहला और आखिरी सेंटेंस दिया होता है पहले से, आपको बस ये बीच के 4 फाइंड आउट करने होते हैं, जो कि हमारा एसएससी लेवल का होता है। और बैंकिंग में क्या होता है, आपको सारे फाइंड आउट करने पड़ते हैं दोस्तों। अगर ये आपका सही हो गया आपको 5 मार्क्स कहीं नहीं है, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने, ये ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक कि पैराजम्बल किसी में आया ना हो। ये हर बार आता है और 5 नंबर का ही आता है और सिंपल है, बस आपका 2 से 3 मिनट लगेगा इस पैराजम्बल का फॉर्मेट पता करने में, तो मैक्सिमम मान लीजिए 5 मिनट। अगर 5 मिनट आप इंग्लिश को दे रहे हो, 5 नंबर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा। अगर आप मेरे वीडियो को देख के उसके बाद 25 से 30 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 25 से 30, बहुत ज़्यादा आप इजीली आराम से स्कोर कर जाएंगे 5 नंबर, कहीं नहीं जाएंगे आपके 5 नंबर। और इंग्लिश आपकी इतनी ईजी हो जाएगी तो आप बोलोगे यार इंग्लिश में तो नंबर यूँ ही आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो सबसे पहले मेरे क्या पैटर्न क्या होगा इसको सॉल्व करने का, तो आइए हम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि हम सॉल्व कैसे करें पैराजम्बल, स्टार्टिंग कैसे करें। तो सबसे पहली बात होती है दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है हमारा सबसे पहली सेंटेंस को ढूंढना। सबसे पहला अगर सेंटेंस हमने ढूंढ लिया तो हमारी स्टार्टिंग का पता लग जाता है और हमें करना क्या है ये पता लग जाता है। तो हमें इसके लिए करने क्या होगा, 2-3 चीज़ें हैं। या तो आप सबसे पहले आप करो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ढूंढो, किसको, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, ये वो होते हैं जिनका हमारे किसी चीज़ से लिंक नहीं होता, किसी और सेंटेंस से स्टार्टिंग में लिंक नहीं होता, ये अकेले हम लिख सकते हैं बिना किसी के यूज़ के। अगर ये आपको नहीं मिलता तो आप नाउंस को ढूंढो, नाउंस, ठीक है। और मैं तो बोलूँगा अभी आप ग्रामर पे ज़्यादा फोकस ना करके आप सेंटेंसेस पे फोकस करो और उसके जॉइनिंग्स बनाओ, मतलब उसके पेयर्स बनाओ, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, आपके मुश्किल से 40 से 50 दिन पड़े हुए हैं और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। और इंग्लिश मैं बोलूँगा आप डेली अगर 1 घंटा दे दो ना इंग्लिश को और जो मैं बोलता हूँ वो करते जाओ, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए और आराम से आप ईजिली स्कोर कर जाओगे बहुत ज़्यादा। तो आप नाउंस ढूंढो, मान लो 2-3 आपको नाउंस मिल गए तो आप उसके उसके सब्जेक्ट्स ढूंढो, कि नाउंस के सब्जेक्ट्स भी तो होंगे जिस पर डिपेंड करेगा वो, क्योंकि बिना उसके सब्जेक्ट तो होगा नहीं, सब्जेक्ट जरूर होगा मान लो 1-2। सबसे एंड में आप ढूंढो इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि अगर आपका किसी से स्टार्टिंग होता है तो इंट्रोडक्शन ही होता है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आप ढूंढो। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहली चीज़ हो गई हमारी हमेशा। सेकंड आती है बीच का मिडिल पार्ट हमें ढूंढना,
ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका ईजी रहता है। सबसे पहली चीज़ अभी तक आप करते हो, आपको ये नहीं समझ आता पहला सेंटेंस होता कौन सा, ये कौन सा पहला होता, इन चीज़ों को देखो और पहला देखो, ठीक है। सबसे बेस्ट पार्ट मैं अब बताने जा रहा हूँ कि सेंट्रल पार्ट, जो भी सेंटेंस मोर ओवर, हाउ एवर, दिस, डैट, या फिर नॉट विद स्टैंडिंग, या फिर नेवर द लेस, इससे स्टार्ट होते हैं, तो आपको पहले ही जान जाना है कि ये ना, मतलब ये स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। बट हो गया, ये चीज़ें हो गई, या आपका अब बस इतना ध्यान रखो ये कभी हमारे पहला सेंटेंस नहीं हो सकते। तो आप जैसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप बट देखो कि भूल जाओ कि वो पहला हो सकता है, पहला नहीं हो सकता। अगर बट है तो वो फर्स्ट नहीं हो सकता, एंड है तो वो नहीं हो सकता। जैसे एंड भी ले लो आप, एंड है तो वो भी नहीं हो सकता। जैसे हमारे क्या होते हैं दोस्तों कि दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। एक चीज़ होती है हमारी कनेक्शंस जो होती हैं, दो टाइप की होती हैं, ठीक है। एक होती है सपोर्टिंग, दूसरी होती है कॉन्ट्राडिक्टिंग, ठीक है दोस्तों। सपोर्टिंग में जैसे एंड आ गया और कॉन्ट्राडिक्शन बट आ गया, तो ये तो हमारी पहली सेंटेंस कभी नहीं हो सकती। ये हमेशा देखिएगा सपोर्ट करेगी। अगर किसी चीज़ को हम डिक्लाइन कर रहे हैं कि जैसे डिस्पाइट ऑफ, तो ये चीज़ें हो गई कि इसके बेसिस पे भी, मतलब हमारा किसी चीज़ को हम डिक्लाइन कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट हम कुछ कर रहे हैं, तो वो होती है कॉन्ट्राडिक्शन। अगर हम सपोर्ट करें कि हाँ, ये तो ये चीज़ें होती है जो पहले कभी नहीं आ सकती पहले सेंटेंसेस में, ये हमेशा बीच में आएंगे। और ये दोस्तों हमारे पेयर्स बनाने में काम आती है। जो आप पेयर्स बनाओगे जिससे आपका ईजी हो जाएगा सारा कुछ करना, ठीक है। दूसरा काम होता है, ये तो हो गया हमारा मिडिल पार्ट। और आग सबसे लेंड में क्या होता है, कॉन्क्लूजन्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं, कॉन्क्लूजन्स, ठीक है दोस्तों। अब देखो कि लास्ट पार्ट हमारे कैसे स्टार्ट हो सकता है। तो या तो मान लो आप कॉन्क्लूडिंग लिखा हुआ है, कॉन्क्लूडिंग, या फिर लिखा हुआ है दस, या फिर लिखा हुआ है हेंस, या फिर फाइनली, या लास्टली, या एट लास्ट, ठीक है, या फिर देयरफॉर, या फिर अल्टीमेटली। जो ये चीज़ें होती है ना, ये हमेशा लास्ट में आती है। तो आपको ये पहले ही पता लग जाए कि ना ये पहला सेंटेंस हो सकता है, ना ये हो सकता है, जिसमें ये वर्ड्स नहीं आ रहे होंगे, जिनमें ये वर्ड्स नहीं आ रहे होंगे, जैसे मोर ओवर, हाउ एवर, दिस, दैट, मीन्स उसके अलावा आपको ढूंढना है। जैसे दो से मैक्सिमम दो से तीन सेंटेंसेज ऐसे बच जाएंगे जिसमें ये चीज़ें नहीं आ रही होंगी, तो उसमें से फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आप बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। या मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ, सबसे बेस्ट स्टेप तो यही है कि आप ऐसे वर्ड्स देखो कि नहीं हो सकते। अब मैं आपको दूसरा वर्ड बताता हूँ, दूसरा टाइप, कि लॉजिकल पेयर आप बनाओ। क्या करो, लॉजिकल पेयर्स बनाओ। सबसे पहले आप नाउन प्लस प्रोनाउन का पेयर बना सकते हो, नाउन प्लस प्रोनाउन। जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ आपको, मान लो छह सेंटेंसेस होते हैं, ए बी, हमेशा छः या सात का ही आता है। तो आप छः का एग्जांपल लेके चलो कि जैसे आपको कोई दिया हुआ है, तो अगर मान लो डॉक्टर के बारे में बात हुई है, डॉक्टर का पहला है तो ये नाउन होगा। फिर इसके प्रोनाउन क्या होता है, जैसे मैंने अब डॉक्टर लिखा है, तो अगर इसके बारे में लिखा हुआ है दूसरा कोई सेंटेंस, तो बार बार डॉक्टर लिखा नहीं होगा, ही यूज़ करेंगे वो, तो आप मान लो कि ही यूज़ किया इन्होंने, दोबारा ही, तो आप ये देख लो कि इसके बाद यही सेंटेंस आएगा, तो क्या पेयर बन जाएगा, ए और सी का पेयर बन गया ही। तो आप ऐसे पेयर बना के भी काम कर सकते हो। या दूसरा हो गया सब्जेक्ट्स प्लस एग्जांपल्स, ठीक है। अब मान लो कोई दूसरा डॉक्टर, एक और डॉक्टर है, और इसके बारे में कोई एग्जांपल दिया हुआ है, कि डॉक्टर से रिलेटेड एग्जांपल है,
तो ये आपको पता है कि इसके बाद ये आएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि इसका, तो एक DF का पेयर बन गया, पहला बन गया हमारा EC का, तो ये पेयर्स बनते हैं। एक और आखिरी पेयर बन जाएगा हमारा, जैसे कुछ दिया होगा, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया होगा, सब्जेक्ट प्लस मान लो आप इंट्रो दे दिया उन्होंने कुछ, ठीक है। तो अगर इंट्रो दे दिया, यहाँ मान लो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, कोई सब्जेक्ट मान लो आप जैसे ग्लोबल वार्मिंग दे दिया इन्होंने, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी होगी कहीं ना कहीं, इसको एक्सप्लेन किया इन्होंने प्रॉपर, तो आप ये देख लो, ई के बाद बी आएगा और हमने डी और एफ, तो ये दोस्तों के तीन पेयर बन गए। तो आपको इसमें करना तो बहुत ईजी हो जाएगा, जैसे ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो ये हमारा क्या होगा, सबसे पहले ये आएगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, तो ये आ गया पहले। दूसरा क्या होगा, एक DF दिया हुआ है और एक AC दिया हुआ है, तो अगर हम पहले बात करें, पहले डॉक्टर उसका ही आएगा, उसके बाद डॉक्टर उसका एग्जांपल आ जाएगा, तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो आपका कितना ईजी हो गया बनाना, EBACDF, ठीक है दोस्तों, कितना ईजी हो गया आपके लिए। अब बड़े प्यार से अब आपने देख लिया कि ऐसे एग्जांपल्स हम क्रिएट कर सकते हैं और ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए आपको एग्जांपल करते हैं। पहले आप इसे देख लीजिए आराम से, एक बार ट्राई कीजिए खुद बनाने का, पॉज मैं बोलूँगा, पहले एक वीडियो पॉज कीजिए आप और एक बार ट्राई कीजिए कि खुद आप कितना सही करते हैं, फिर मैंने जो पैटर्न बताया उस पर आप करके देखिए इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इजीली पहले सेंटेंस पढ़ने से पहले मैं देख लूँगा कि एक में बट है, इसमें दस है, इसमें दस है, इसमें अल्टीमेटली है, तो ये तो पहले हो नहीं सकते, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं पहले दो सेंटेंसेस में, इसमें लिखा हुआ, फॉर द बैलेंस ऑफ पावर एंड स्टैगर्ड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द फिनोमिना ऑफ ब्रेन ड्रेन। दूसरा, फॉर दिस पर्पस, क्या है यहाँ पे, फॉर दिस पर्पस, तो ये तो हो नहीं सकता, किसी पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो पहला हो नहीं सकता, क्यों दोस्तों, ये नहीं हो सकता ना पहला, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हम किसी चीज़ के बारे में बात करें तो पहला नहीं हो सकता। पहले एक बार सेंटेंस हम रीड कर लेते हैं मैंने, फॉर द बैलेंस ऑफ पावर एंड द स्टैगर्ड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द फिनोमिना ऑफ ब्रेन ड्रेन। दूसरा है, फॉर दिस पर्पज डेवलप्ड नेशन शुड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज एंड नेसेसरी मनी एंड रिसोर्सेज, अल्टीमेटली दिस विल ऑल्सो इंश्योर दैट ईच एंड एवरी स्टेप नेशन विल हैव द एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस इटसेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन, दिस विल हेल्प अ पर्टिकुलर नेशन यूज ऑल स्किल्ड सिटीजन्स फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोलीफरेशन, दिस विल इंश्योर दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लेनेट can have a good standard of living, but to build these nations skilled workers at their native places it is also important to provide them enough work opportunities and living facilities. दोस्तों को जैसे पता तो लग ही गया हो इतनी देर में कि ये हमारा पहला होने जा रहा है, क्यों, क्योंकि सबसे इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इंडिपेंडेंट है, क्यों है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है और बाकी आपको पता है कि ये हो नहीं सकते, ठीक है। अब हम दूसरा ढूंढेंगे कि ये क्या हो रहा है, फॉर द बैलेंस ऑफ पावर एंड स्टैगर्ड, किसी चीज़ की हम बात करेंगे, किसी एक कंट्री को हमें डेवलप करना है तो हमें उसे हेल्प करना पड़ेगा, उसको हेल्प हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो अगर हम ऐसा करते हैं कि फिनोमेना से हटाते हैं ब्रेन ड्रेन से, तो हमारा क्या हो सकता है, फॉर दिस पर्पज डेवलप्ड नेशन शुड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज विद द, ये भी हो सकता है आप देखो तो, अल्टीमेटली दिस विल ऑल्सो इंश्योर दैट ईच द, अल्टीमेटली है तब यही देख लो कि ये पहला हो नहीं सकता, इसके केसेस हैं कि आखिरी ही होगा और हम सिक्स लिखेंगे ना इसका, लेकिन चांसेस हैं इसे लास्ट होगा, हम श्योर नहीं है अभी क्योंकि हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा ही नहीं है, लेकिन चांसेस क्या है कि ये लास्ट हो। फिर दिस विल हेल्प अ पर्टिकुलर नेशन यूज ऑल स्किल्ड सिटीजन्स फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोलीफरेशन, तो ये हो सकता है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लेनेट हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, बट टू बिल्ड इज स्किल लेवल्स, अब देखो यहाँ पे है स्किल्ड, यहाँ पे भी यूज हुआ है स्किल्ड, ठीक है, दिस विल हेल्प अ पर्टिकुलर नेशन यूज ऑल, इसमें हमें क्या करना है यूज, बट
हमें स्किल्ड वर्कर्स को नेटिव प्लेसेस के लिए करने से पहले तो एक तरीके से आप देखो तो पहले ये दूसरा हो गया, क्यों? क्योंकि हमने बात की फॉर द बैलेंस ऑफ पावर, पावर को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड स्टैगर्ड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ, हमें ब्रेन ड्रेन का फिनोमेना हटाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे क्या हेल्प मिलेगी हमें, दिस विल हेल्प अ पर्टिकुलर नेशन टू यूज ऑल स्किल्ड सिटीजंस फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोलिफरेशन। अब स्किल लेबर को हम क्या करेंगे, बट टू बिल्ड दिस स्किल लेबर्स वर्कर्स एंड देयर नेटिव प्लेसेस इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड दम इनफ वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड लिविंग फैसिलिटीज। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया तीसरा। एक तो अल्टीमेटली बच गया, एक दिस विल इंश्योर बी। अब देखेंगे इससे फायदा क्या, अब हम पढ़ते हैं दिस, पहले ऊपर से पढ़ते हैं, फॉर दिस पर्पज डेवलप नेशन शुड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज नेसेसरी मनी एंड रिसोर्सेज। अगर हम ऐसा करते हैं ये तो हमारा अभी पढ़ने का फायदा नहीं, क्योंकि ऐसे ही लग रहा है कि हमें लास्ट होना चाहिए। टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स ऑन दिस प्लैनेट कैन हेल्प अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हमारा होना चाहिए कि एक सेकेंड। तो इसके लिए मैंने क्या बोलते हैं यहाँ पे कि हमें किसी ना किसी की तो हेल्प करनी पड़ेगी इन्हें, तभी तो होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले थर्ड तक तो हो गया हमारा, तो इसमें सबसे बेनिफिशियल जैसे हमें वर्क अपॉर्चुनिटीज़ फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी ताकि इनके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो डेवलप्ड नेशन है अगर इनकी हेल्प करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज की तभी ऐसा हो सकता है पॉसिबल, तो ये होना चाहिए फोर्थ। अब रह गए हमारे दो, तो अब हम पढ़ अल्टीमेटली दिस विल ऑल्सो इंश्योर दैट ईच एंड एवरी स्टेप नेशन विल हैव द एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस इट सेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन। फिफ्थ क्या है, दिस विल इंश्योर दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट कैन हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर ये हेल्प करेंगे, मनी देंगे, रिसोर्सेज देंगे, तो क्या होगा, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगी सबको, जितने लोग हैं यहाँ पे। तो ये हमारे ख्याल से फिफ्थ हो जाना चाहिए, और ये अल्टीमेटली ये क्या होगा हमारा लास्ट। तो हमें पहली जैसे देख के पता लग गया कि ये पहला होगा फर्स्ट और ये लास्ट, और इनके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, हमें दो सेंटेंसेस ऐसे मिले जिनमें हमें फर्स्ट एंड लास्ट फर्स्ट ढूंढना था, तो ये काफ़ी इजी हो गया था, क्वाइट इजी इट वाज। दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई डाउट है मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो सके लाइक होकर आप लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे मैं और भी क्लोज टेस्ट और जितने भी इंग्लिश पे होते हैं, क्लोज टेस्ट हो गए, एरर्स हो गए, सब पे आपके लिए, सब पे टॉपिक पे अच्छे अच्छे वो बना के वीडियोस लेके आऊँगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपना एग्ज़ाम क्रैक करने में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके अपना सवाल पूछें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।